गरम चपाती। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मनीषा कमरे में बैठकर अपने पैरों पर मरहम लगाती हुए गुस्से से कहती रहती है। इतने में ही अशोक घर आके कहता है, कहाँ हो सुनती हो? अरे भाई कहाँ चली गई? मनीषा चिड़चिड़ा कर कहती है, अब क्या हुआ, सब काम करके बैठती हूँ फिर भी सबको कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाता है, मैं नहीं उठने वाली अब। अरे बाबा तुम तो शुरू हो गई, मैंने कोई काम तो कहा भी नहीं, तुमने जो जो सामान कहा था सब लेकर आया हूँ, यही कहना चाह रहा था मैं। अरे ठीक है, ला दिया तो रख दो और बचे हुए पैसे मुझे वापस कर दो, और मुझे ना थोड़ी देर के लिए कुछ मत कहना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अशोक पैसे देकर कमरे से बाहर आ जाता है और मन ही मन सोचता है, भूख तो बहुत जोरों की लगी है, लेकिन अभी गरम चपाती सेकने को जैसे ही बोला तो मेरे ऊपर टूट पड़ेगी बिजली की तरह। इससे अच्छा है अशोक अपना मुंह बंद रख और इंतजार कर, जैसे ही अंकुश और निखिल में से कोई भी रोटी मांगने को आएगा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूंगा। अशोक बड़ा तेज है तू। अशोक दो समोसे खा लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। इतने में निखिल वहां आता है और कहता है, पापा मम्मी कहाँ है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तेरी मम्मी तो कमरे में है बेटा। मम्मी जल्दी से गरम चपाती सेक दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे बेशरम, मैं यहाँ मर रही हूँ और तुम्हें गरम रोटी की पड़ी है, मैं नहीं बना सकती, ठंडी रोटी पड़ी है खा ले। अरे मम्मी यार मैं ठंडी रोटी नहीं खा सकता, तुम्हें पता है ना मैं भूखा रह लूंगा लेकिन ठंडा नहीं खाऊंगा। अब से ना मैं हमेशा से खाना बनाकर ही रख दूंगी, ऐसा भी कौन सा सुख मुझे कुछ मिल गया इतने दिनों में, पूरी जिंदगी मैंने खराब कर दी काम कर करके, लेकिन हुआ क्या, इस बुढ़ापे में भी मुझे ही मरना पड़ रहा है, एक टाइम तीनों टाइम का बना कर रख दूंगी मैं। मम्मी तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे पैर दबाकर मरहम लगा देता हूँ, तुम्हें तुरंत राहत हो जाएगी। मनीषा को तो लगता है कि निखिल उसके दुख को समझता है, इसलिए वो निखिल के सर पर हाथ घुमाकर कहती है, हाँ बेटा दबा दे पैर, बहुत दर्द हो रहा है, एक तू ही मेरे घुटने दबाने को आया, वरना दोनों बाप बेटे ने आज तक पूछा ही नहीं कि मैं दर्द में कैसे काम करती हूँ। निखिल 10 मिनट घुटने की मालिश करता है। मनीषा कहती है, अब छोड़ भी दे बेटा, तेरे भी हाथ दुख रहे होंगे, वैसे ना अब मुझे काफी आराम हो गया है। मनीषा की इतना कहने की देरी थी कि निखिल बोल पड़ता है, मम्मी मुझे गरम चपाती सेक के खाना दे दो ना। मनीषा गरमा जाती है और निखिल के पीठ पर एक हाथ मारती हुई कहती है, मुझे लगा तू मुझसे प्यार करता है, मेरा दर्द तुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तू क्यों समझे, यह सब तो गरम चपाती के लिए हो रहा था। अरे मम्मी क्या करूं, तूने हमें गरम चपाती खाना सिखाया है, ला दो ना अभी, फिर मैं तुम्हारे घुटने दबा दूंगा बस। अरे सेक देती हूँ, चल बाकी दोनों को भी बोल दे अभी ही खा ले, फिर मैं नहीं देने वाली। 2 मिनट आदमी आराम नहीं कर सकता। निखिल अंकुश और अशोक को आवाज देता है, नाश्ता कर लो, मम्मी गरम चपाती सेक रही है। गरम चपाती का नाम सुनकर अशोक का चेहरा खिल जाता है। मैं तो इंतजार ही कर रहा था। तीनों बाप बेटे एक साथ एक ही थाली में बैठकर खाना खाने लगते हैं। आज मेरे कारण तुम दोनों को गरम खाना नसीब हो रहा है, धन्यवाद करो मुझे, वरना दोनों कहीं कोने में पड़े रहते। अरे ठीक है ना, शुक्रिया। तभी मनीषा कहती है, भाई तुम लोग अब देख लो मुझसे नहीं होगा, मैं खाना नहीं बना सकती, तुम लोग कोई इंतजाम करो या फिर जो मैं बना कर रख दूंगी वही खा लेना। मनीषा अपने कमरे में चली जाती है। अब मनीषा गरम चपाती सेकना बंद कर देती है और तीनों बाप बेटे के लिए मुसीबत हो जाती है। तीनों अब आधा से ज्यादा टाइम भूखे ही रहने लगते हैं और रोज इतना इतना खाना पड़ा रहता है। एक रोज दुखी होकर अशोक कहता है, अब इस तरह नहीं चलेगा, रोज इतना अनाज बर्बाद हो रहा है, ऊपर से हम भूखे ही रहते हैं, कभी बाहर खा रहे हैं तो कभी आधा पेट खाकर उठ रहे हैं। हाँ पापा, इसका कोई उपाय तो निकालना ही होगा, मम्मी की बात भी ठीक है, वो कब तक काम कर पाएगी, उनसे भी नहीं होता, घुटने का दर्द बड़ा खराब है। भैया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और हमें गर्मा गर्म चपाती खिलाने वाली भी आ जाएगी। इतने में ही मनीषा अपने कमरे से आकर कहती है, हाँ अब अंकुश की उम्र शादी लायक हो गई है, मैं भी अब घर की चाबी बहू को देकर आराम करना चाहती हूँ, बोल अंकुश कर दे तेरी शादी। जैसा सबको सही लगे। गरम चपाती क्या ना करा दे, पूरा घर जोरों शोरों से अंकुश के लिए लड़की ढूंढने में लग जाता है। प्रज्ञा जो कि अशोक के दोस्त की बेटी है,
अशोक को अंकुश के लिए पसंद आ जाती है और वो कहता है, प्रज्ञा को मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो हमारे घर के लिए अच्छी रहेगी और घर ठीक से संभाल भी लेगी। मैं ये रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। हाँ, जान पहचान में ही शादी करनी चाहिए भैया, वरना कोई बदमाश लड़की आ जाती है तो पूरे घर को नाश कर देती है, रातों रात घर लूट के चल देती है। मम्मी यार, तुम सावधान इंडिया देखना बंद कर दो, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ये सब देख देख कर दिमाग में उल्टे उल्टे सोच आते हैं। तो फिर प्रज्ञा और अंकुश का रिश्ता पक्का। अंकुश और प्रज्ञा की शादी हो जाती है। प्रज्ञा बहू बनकर अंकुश के घर आ जाती है। प्रज्ञा के घर आने से घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। प्रज्ञा का गृह प्रवेश होते ही निखिल बोल पड़ता है, अब तो भाभी आ गई है, अब आराम से सब मजे में गरम चपाती खाना, पापा बुरे वक्त गए। अभी पहले घर में तो आने दे, ये सब बातें बाद में करना। प्रज्ञा के आते ही सबकी उम्मीद उससे बढ़ जाती है। मनीषा घर की चाबी प्रज्ञा के हाथों में देकर कहती है, बहू कल से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, ये चाबी तुम्हारी, चलो अभी तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, थक गई होगी ना। प्रज्ञा और अंकुश कमरे में चले जाते हैं। प्रज्ञा मन ही मन सोचती है, इन लोगों को गर्म चपाती खाने की आदत है लगता है, अब क्या करूं, मुझे तो रोटी बनानी नहीं आती। अब मम्मी की बातें याद आ रही है, मम्मी ठीक ही कहती थी, बस देशी बनाओगी, रोटी बनाना सीख लो। काश मम्मी की बात सुन लेती मैं। किस सोच में डूब गई प्रज्ञा, सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। प्रज्ञा और अंकुश सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठने के साथ ही मनीषा प्रज्ञा से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, तू नाश्ता बना ले। जी मम्मी जी। प्रज्ञा रसोई में जाकर सोचती है, कुछ अच्छा बनाती हूँ, ढोकला और पोहा बना लेती हूँ। प्रज्ञा नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। सब नाश्ता खाकर कहते हैं, बहू पोहे और ढोकले तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन मुझे ना चपाती बिना नहीं चलता। हाँ प्रज्ञा, पापा ठीक कह रहे हैं। दोनों बाप बेटे मुंह बंद करके खा लो, ज्यादा मत बोलो वरना ये भी नहीं मिलेगा। हाँ मैंने सोचा पोहे हल्के रहेंगे। प्रज्ञा मन ही मन कहती है, अब क्या करूँ, मुझे तो रोटी आती ही नहीं बनानी, चावल तो सबको पसंद होता है, मैं दोपहर के वक्त फ्राइड राइस और आलू दम बना दूंगी, खाकर सबके मुंह में पानी आ जाएगा और कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दोपहर के समय प्रज्ञा फ्राइड राइस और आलू दम बना लेती है और सबको परोसती है। मनीषा बड़े ही चाव से फ्राइड राइस और आलू दम खा लेती है। बहुत स्वाद है बहू, गर्मा गर्म खाने को मुझे नसीब हुआ, मन खुश हो गया भाई। मम्मी तुम्हें तो बस बना हुआ मिलना चाहिए, भाभी फ्राइड राइस से ना हमें संतुष्टि नहीं होगी, हम डिशेस के साथ चपाती भी खाते हैं, इसके साथ दो चपाती मिल जाती तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता। हाँ लेकिन एक साथ देवर जी इतना कुछ बनाना तो हो नहीं पाएगा। बहू हमें डिश की जरूरत नहीं है, नॉर्मल गरम चपाती और एक सब्जी मिल जाए तो बहुत है। प्रज्ञा कुछ नहीं कह पाती और रात के लिए फिर पाव भाजी की तैयारी कर लेती है। रात को पाव भाजी देखकर मनीषा के मुंह से पानी टपकने लगता है और गपा गप खा लेती है। निखिल अंकुश और अशोक अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। फिर से पाव भाजी? फिर प्रज्ञा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, हम ये सब खा ही नहीं सकते, पाव भाजी बनाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है, तुम सीधे सीधे रोटी और एक सब्जी बना दो ना यार, हमारा पेट इन सब से नहीं भरता। प्रज्ञा अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में रखकर रगड़ने लगती है और नजर झुकाकर चुप हो जाती है। क्या बात है बहू, कुछ है तो बता दे, तुम हमसे कुछ भी कह सकती हो। मम्मी जी मुझे ना चपाती बनानी नहीं आती। क्या क्या? तीनों बाप बेटों के मुंह उतर जाते हैं और तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो आंखों से कह रहे हो कि अब क्या करें। आधा पेट खाना खाकर तीनों बाप बेटे उठ जाते हैं। रात को तीनों बाप बेटे आपस में बात करते हैं। अब क्या करें पापा, गरम चपाती के लिए मेरी शादी करवाई और प्रज्ञा को तो चपाती बनानी नहीं आती। भैया हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। अरे पर अब करें क्या। तभी इंस्टाग्राम पर रील्स देखते देखते एक रोटी मेकर का ऐड आता है और अशोक कहता है, बच्चों ये देखो ये कैसा रहेगा, रोटी मेकर, हम भी यही मंगवा लेते हैं। ये अच्छा है, मैंने देखा है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में रोटी मेकर रहता है। लो तो इसे अभी ऑर्डर कर देते हैं, गरम चपाती तो नसीब हो।
अंकुश रोटी मेकर ऑर्डर कर देता है। प्रज्ञा के आने के बाद भी तीनों को जैसे तैसे काम चलाना पड़ता है। हफ्ते भर बाद रोटी मेकर डिलीवर हो जाता है। रोटी मेकर को अशोक अनबॉक्स करता है और कहता है, अब अपना काम तो हो गया। ले बहू, अब इस रोटी मेकर से गरम चपाती बना बना कर हमें खिला दे। जी पापा जी, अब इसका उद्घाटन कर दो। निखिल, अंकुश और अशोक खाने की मेज पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। अभी तक हमें रोटी मेकर का पता नहीं चल पाया था, वरना कब का इसे मंगवा लेते। प्रज्ञा आटा लगाकर रोटी मेकर से गरम चपाती सेक कर देती है। रोटी मेकर की चपाती देखकर अशोक की आंखें टिमटिमाने लगती है। गर्मा गर्म चपाती और मटर पनीर। आज मन खुश कर दिया तूने। अंकुश एक निवाला खाता है और उसका मुंह बन जाता है। थोड़ा अजीब सा टेस्ट है ना इसका। अरे रुको यार, इतने दिनों के बाद खाने को नसीब हुआ है। भैया कहीं तुम खाने का टेस्ट तो नहीं भूल गए? हमें तो खाने दो। निखिल और अशोक भी रोटी मेकर वाली रोटी खाते हैं, पर उन्हें भी रोटी पसंद नहीं आती। बेटा लगता है हमारी तकदीर ही खराब है, क्या करें, ये रोटी तो मुझे पसंद नहीं आई। मुझे भी नहीं भा रही है चपाती। लो, बड़ा मुझसे कह रहे थे, हो गया ना? लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हो सकता है कि आटे में प्रॉब्लम हो, इतने दिनों से पड़ा है ना आटा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो शाम को दूसरा आटा ले आते हैं। शाम को अंकुश नया फ्रेश आटा लेकर आता है ताकि गरम चपाती खा सके। प्रज्ञा ये लो आटा, इतने दिन हो गया है ढंग से गरम रोटी खाने को नसीब नहीं हुई। जब तक मम्मी बनाती थी हम लोग गर्मा गर्म चपाती ही खाते थे। ठीक है ना, मैं भी बना देती हूँ अभी। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छा खाना खिला पाऊँ। प्रज्ञा तुरंत गर्मा गर्म चपाती बनाकर सबको परोसती है। कैसा लगा पापा जी? पता नहीं बहू, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो वैसा ही लग रहा है, मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आया बहू। भाभी हमें तो हाथों की चपाती ही पसंद आती है, मम्मी तो कुछ भी खा लेती है। पापा अब क्या करें, हम हमारे जैसी मुसीबत किसी को नहीं होगी, चाहे जो कर लो फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ ही जाती है। दिन बीतने लगते हैं, रोटी मेकर की चपाती से गुजारा कर पाना मुश्किल होने लगता है। तब एक रोज अंकुश कहता है, आज मैं अपने फ्रेंड के घर गया था, पापा उसकी मेड क्या चपाती बनाती है, खा कर ही मन खुश हो गया। आज इतने दिनों के बाद पेट भरकर चपाती खाने को नसीब हुआ। वाह भैया, अकेले अकेले? अरे देख, एक रोटी मैं छुपा कर ले आया हूँ। देख तो कितनी नरम है, खाकर देख। निखिल चपाती खाकर कहता है, भैया क्यों ना हम भी एक खाना बनाने वाली रख ले, कम से कम अपने मन का खाने को नसीब तो होगा। हाँ छोटे तुम ठीक कह रहे हो, कोई कुकिंग करने वाले का पता लगाता हूँ मैं। अरे गधे, तुम अपने दोस्त के काम वाली को ही रख लो ना। क्या मम्मी तुम भी ना, कभी सुना है तुमने कि कोई अपनी काम वाली किसी और के घर में काम करने के लिए भेज दे? तो फिर किस चीज का दोस्त है, इससे अच्छा तो दुश्मन है। अरे मम्मी, दोस्त अपना निवाला तुम्हें दे देगा लेकिन अपनी काम वाली नहीं, काम वाली तो ढूंढनी होगी। अंकुश, निखिल और अशोक काम वाली ढूंढने लगते हैं। फिर एक रोज सविता काम वाली काम ढूंढते हुए अशोक के घर आती है। काम वाली को देखकर प्रज्ञा कहती है, चपाती वाली आ गई। काम बताइए, क्या करना है मेरे को? बस गर्मा गर्म चपाती बनानी है तीनों टाइम। इतना सा काम? ठीक है, मैं कल से आ जाएगी। कल से नहीं, आज से ही लग जाओ। अभी दोपहर के वक्त सब खाने पर बैठेंगे, तुम ना गर्मा गर्म चपाती सेकती जाओ। ठीक है, लेकिन मैं आज के आने जाने का भाड़ा भी लेगी, साथ ही एक महीने का एडवांस भी, क्योंकि फिर सब एक दो दिन अपना काम निकलवा कर छुड़वा देते हैं। अरे ठीक है, ले लेना पैसे, ले अभी ले ले और काम पर लग जा। सविता गर्मा गर्म चपाती सेकती है और प्रज्ञा सबको परोसती है। इतने में निखिल कहता है, हे भगवान, बस इस बार हमारा नुस्खा काम कर जाए, वरना फिर हम तीनों के पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा। शुभ शुभ बोल, ये काम वाले कितने घरों में काम करती है और कितने दिनों से कर रही है, ऐसे ही थोड़ी कोई इससे काम करवाएगा। चलो अब तुम दोनों चुप हो जाओ, खाने दो। खाना खाकर अशोक का मुंह खुल जाता है। अब ये खाने वाली परमानेंट फिक्स हो गई थी, मन खुश हो गया, इस बार ये नुस्खा काम कर गया। सच में पापा, हमें भी खाना खा के देखने दो। निखिल और अंकुश भी खाकर वाह वाह कर देते हैं। मन तो कर रहा है कि सविता के हाथ चूम लूं। अरे चुप कर, सुन लिया उसने ना तो काम छोड़कर चली जाएगी। अगर तेरे कारण ये काम छोड़कर चली गई ना तो तू गया निखिल। अरे नहीं भाई, इतनी मुश्किलों से ये मिली है, इसे ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा मैं।
सब खाना खा लेते हैं। फिर सविता आकर कहती है, मैं जा रही लिए रात को आ जाएगी। ठीक है। अब अशोक को लगता है कि उन लोगों की मुसीबत टल गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात को सविता आकर फिर से गर्मा गर्म चपाती बनाती है और फिर सब खाकर खुश हो जाते हैं। रात को सोते वक्त अंकुश प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा तुम मायके जाना चाहती हो तो चली जाओ, क्योंकि अब सविता है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सुबह सुबह तुम मुझे छोड़ आना। अगली सुबह अंकुश प्रज्ञा को उसके मायके छोड़ाता है। सविता नाश्ते में मिक्स वेज की सब्जी बनाती है और सबको गर्म चपाती सेक कर देती है। आज चपाती खाकर सबकी शक्ल का हुलिया बदल जाता है। ये कैसे चपाती बना दी आज तुमने सविता? वैसी तो बनाए लिए। नहीं नहीं वैसी नहीं, ये बहुत बेकार लग रही है आज रोटी। हाँ आज तो स्वाद बिल्कुल अलग आ रहा है, लगता ही नहीं कि ये तुमने बनाई है। ऐसी क्या, जैसी बनती है वैसी बनाई है। मैं ना इतने ड्रामे नहीं झेल सकती, काम करवाना है तो कराओ नहीं तो मैं चली। मनीषा सोचती है कि प्रज्ञा मायके गई हुई है, अगर सविता भी चली गई तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अरे बेटा तुम्हें जैसा आता है तुम वैसा बनाओ। हाँ पर सविता तो बहुत खराब खाना बनाती है और तीनों बाप बेटे प्रज्ञा के आने तक बहुत रो रो कर उसका खाना खाते हैं। अंकुश प्रज्ञा के आते ही कहता है, इस काम वाले ने तो हमें धोखे में रखा, एक दिन अच्छा खाना खिलाकर पगार ले लिया, अब एक महीना होते ही इसे हटा देना। ठीक है, आप लोगों को गर्म चपाती खानी होती है, वरना मम्मी जी चपाती एक बार सेक कर रख देगी और बाकी सब तो मैं कर ही देती हूँ। महीना पूरा होते ही प्रज्ञा सविता को काम से निकाल देती है। अब मनीषा नाश्ते में ही सबके लिए चपाती सेक देती और प्रज्ञा सब्जी बनाकर बाकी सब काम कर देती। पूरा दिन अब सबको वही ठंडी चपाती खानी पड़ती है। तब निखिल कहता है, लगता है हमारे नसीब में ठंडा खाना ही लिखा है। लगता है इस बुढ़ापे में मुझे ही अब चपाती बनाने की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। अशोक की बातें सुनकर मनीषा प्रज्ञा जोर जोर से हंसने लगती हैं।